नमस्कार दोस्तों, मैं जी कृष्णा चौहान आपका हक इन क्रेस सॉफ्टटेक में स्वागत करता हूँ। यदि आपको हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग के बारे में जानना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, और इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे। और मैं आशा करता हूँ यदि आप स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं तो आप 10% सी प्रोग्रामिंग पूरी तरह सीख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम यानी कि सी प्रोग्राम की संरचना, ये किस तरीके से हमारा एक सी का प्रोग्राम लिखा जाता है। तो सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी कि एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है जिसके हिसाब से हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं अपने सी के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, वो है डेव सी प्लस प्लस। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टाइम सेविंग के लिए मैंने यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को लिखा हुआ है, और इसके स्ट्रक्चर के एक बार सभी सेक्शंस को मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सेक्शन होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, फिर फंक्शन प्रोटोटाइप, फिर ग्लोबल वेरिएबल, उसके बाद मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद हम देखते हैं लोकल वेरिएबल्स हैं, फंक्शन कॉलिंग है, और मेन फंक्शन को रिटर्निंग है। उसके बाद अगर हमने कोई फंक्शन जो कॉल किया है उसको अपने को बनाना होगा, तो फंक्शन डिफाइनेशन है, और उसके बाद उसकी रिटर्निंग। अब एक एक करके इन सभी सेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। तो इस डॉक्यूमेंट सेक्शन में क्या होता है कि हम कमेंट्स के थ्रू यहाँ पर अपनी प्रोग्राम के बारे में कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि प्रोग्राम का नेम, प्रोग्राम का ऑथर नेम। अगर आप ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट रिलायबिलिटी के लिए हम ऐसा करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर कमेंट का जिक्र आया है तो मैं कमेंट के बारे में बता देता हूँ। अपने प्रोग्राम को ज़्यादा रिलायबल बनाने के लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी हम कमेंट के अंदर लिखते हैं वो हमारा कंपाइलर रीड नहीं करता, यानी कि ट्रांसलेट नहीं होता है वो बाइट कोड या बाइनरी कोड में एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग। यानी कि कंपाइलर सब कुछ रीड करेगा, आपका पूरा कोड रीड करेगा, बट कमेंट को रीड नहीं करेगा। कमेंट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। दो तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। चलिए उसकी बात हम आगे करेंगे। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप है प्री प्रोसेसर डायरेक्ट। सी प्री प्रोसेसर के बारे में सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि सी प्री प्रोसेसर हमारे कंपाइलर का पार्ट नहीं है, बट जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम सरल शब्दों में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई ये प्री प्रोसेसर हमारे कंपाइलर को बताता है कि भाई एक्चुअल में कंपाइल करने से पहले आप इस चीज़ को प्रोसेस कीजिए। प्री प्रोसेसर यानी कि आप इस चीज़ को पहले से प्रोसेस कीजिए। प्री प्रोसेसर हमारे दो टाइप का होता है, एक तो हैश इंक्लूड और दूसरा हैश डिफाइन। और हमेशा ध्यान रखना, प्री प्रोसेसर से पहले हैश अप्लाई होगा। हैश इंक्लूड के में आप किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं, और हैश डिफाइन में क्या होता है, आप किसी भी फाइल को, मतलब किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हैश डिफाइन मैक्स 100 लिखा हुआ है मैंने, यानी कि अगर मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं भी मैक्स लिखता हूँ तो वहाँ पर मैक्स की वैल्यू 100 काउंट होगी। और जैसे इससे ऊपर वाली लाइन में मैंने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h, यानी कि मैंने इसमें एक फाइल ऐड की है stdio, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की, और हेडर फाइल है इस वजह से इसका एक्सटेंशन है .h, जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बता चुका था। इसी तरीके से काफ़ी सारी हेडर फाइल्स हैं, जैसे कि stdlib.h और math.h, conio यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट .h। तो इसी तरीके से हेडर फाइल्स हैं, और इन सभी के डिस्कशन हम आगे आने वाले प्रोग्राम्स में करते रहेंगे। जिस सेक्शन में हम फाइल इंक्लूड कर रहे हैं उस सेक्शन को लिंक सेक्शन, और जिस सेक्शन में हम किसी भी नंबर को डिफाइन कर रहे हैं उसको हम डिफाइनेशन सेक्शन नाम से भी जानते हैं। अगला सेक्शन हम देख पा रहे हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है? दोस्तों, प्रोटोटाइप का मतलब होता है हूबहू वैसा ही दिखने वाला। फंक्शन प्रोटोटाइप यानी कि हूबहू फंक्शन की तरह ही दिखने वाला एक फंक्शन। ये फंक्शन प्रोटोटाइप हमारा मैंडेटरी नहीं है,
हमारे ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें रखें, ना रखना चाहें ना रखें, पर एक तरीके से वैलिडेशन के लिए कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि हम एरर चेकिंग के लिए फंक्शनल प्रोटोटाइप का यूज़ कर लेते हैं। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इंटीजर कॉमा इंटीजर, यानी कि दो जो यहाँ पर हमारे वेरिएबल यूज़ हो रहे होंगे, जो इनका रिटर्न टाइप होगा इस फंक्शन का, वो अगर इंटीजर टाइप होता है तो ठीक है, अगर वो किसी और टाइप का होता है तो इसका मतलब हमारी यूज़र ने इनपुट गलत दिया है। यानी कि कुल मिला के हमारी एरर का पता यहीं पर ही चल जाएगा। तो ये था हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसको हम जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात आती है ग्लोबल वेरिएबल की। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। ये इंट है डेटा टाइप और ए बी सी है वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है जो भी हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं डेटा टाइप्स को ग्लोबली, यानी कि मैंने लिखा हुआ है इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी कि रैम में, यानी कि हमारी मेन मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाएगा इस इंट के डेटा के मेमोरी कंजप्शन के अकॉर्डिंग। तीन डेटा क्रिएट हो जाएंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन डेटा बॉक्स, तीन डेटा ब्लॉक, और वो डेटा ब्लॉक आपके प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बट क्या है कि ये तीनों के तीनों ए बी और सी तब तक हमारे एग्जिस्टेंस में रहेंगे जब तक प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में रहेगा। यही होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। और उसके बाद देखते हैं मेन फंक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है इंट मेन। तो दोस्तों, मेन फंक्शन इज दैट फंक्शन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम, यानी कि किसी भी सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को करने के लिए हमारे मेन फंक्शन की जरूरत होगी ही होगी। और किसी भी सी प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, तो मेन फंक्शन तो प्रोग्राम में होना ही होना है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपने बुक्स में पढ़ा होगा, अगर आप बुक से भी आप रेफरेंस ले रहे हैं, तो किसी किसी किताब में तो यहाँ पर लिखा रहता है void main, कहीं कहीं पर लिखा मिलता है आपको int main। तो यहाँ पर कंफ्यूज़ होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों। जहाँ पर आपको void main लिख रहा है वहाँ पर आपको रिटर्न जीरो नहीं दिख रहा होगा, और int main लिख रहा है तो आपको रिटर्न जीरो दिख रहा होगा। void का मतलब होता है खाली, यानी कि खाली रिटर्न हो रहा है मेन को। मेन फंक्शन तो खुद से मेन फंक्शन है, उस वो भला किसको क्या रिटर्न करेगा। यानी कि void main यानी कि मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। या फिर int main लिखा है तो आपने लिख दिया रिटर्न जीरो, यानी कि जीरो रिटर्न कर रहा है int main फंक्शन को, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। शायद आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। हमेशा ध्यान रखना, मेन फंक्शन के बाद कभी सेमीकोलन नहीं आता, जबकि ग्लोबल वेरिएबल या फिर किसी भी फंक्शन के बाद आपका सेमीकोलन आएगा यदि आप फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। तो मेन फंक्शन यहां से शुरू है और यहां पर खत्म। आप देख पा रहे हैं दोनों ब्लॉक्स को जो कि डार्क हैं रेड कलर में। तो जिस तरह से ग्लोबल वेरिएबल हमने अभी पढ़ा था, ग्लोबल वेरिएबल का एग्जिस्टेंस रहता है थ्रू आउट प्रोग्राम, और जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहता है तब तक। बट जो लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल का एग्जिस्टेंस रहता है टू द ब्लॉक। यानी कि जैसे ये एक ब्लॉक है आप देख पा रहे हैं मेन फंक्शन का, या फिर एक ब्लॉक ये है, ये अलग यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो लोकल वेरिएबल का एग्जिस्टेंस रहता है टू द ब्लॉक। ब्लॉक का काम ख़त्म, मेमोरी से इसकी स्पेस ख़त्म। अब जैसे हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, जैसे पाई हुआ, पाई की वैल्यू होती है 3.141569। तो उस पाई की वैल्यू को या तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम ग्लोबली डिफाइन कर सकते हैं। और अगर कोई कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको लोकली डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली प्रोग्राम का जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो सारा का सारा मेन फंक्शन के अंदर ही होता है। तो हमको कोई भी अगर अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है या कुछ भी ऐसे काम करने हैं तो वो हम क्या कहाँ पर करेंगे, मेन फंक्शन पर करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफ़ी जगह पर अब देख पा रहे हैं डिफाइनेशन ऑफ फंक्शन, रिटर्निंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन कॉल, फंक्शन प्रोटोटाइप। आखिर ये फंक्शन है क्या, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। हालांकि ये यहाँ पर आप इंट्रोडक्टरी पार्ट के अकॉर्डिंग ही समझिए, क्योंकि जब मैं फंक्शन क्लियर करूँगा, फंक्शन डिस्कस करेंगे हम, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा।
तो फंक्शन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा मॉड्यूल बना लेते हैं और उस मॉड्यूल को अगेन एंड अगेन अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। माना कि कोई मॉड्यूल है आपका 10 लाइन्स का, 10 लाइन का कोई कोड है आपका मॉड्यूल, और उसका यूज़ है आपके प्रोग्राम में 10 बार। तो आप 10 लाइन अगर 10 बार लिखेंगे तो 100 लाइन हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ लाइन 100 हो जाएंगी। और अगर इसकी बजाय आप उस फंक्शन के एक मॉड्यूल को सेट कर देते हैं कि भाई ये मॉड्यूल हमारा 10 लाइन FUN नाम से जानी जाएंगी, और उसको आप अपने प्रोग्राम में बार बार कॉल कराते हैं, तो क्या होगा, 10 लाइन का तो वो पर्टिकुलर कोड और 10 लाइन आपकी बार बार कॉल कराने की, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइन हुई आपकी 20, यानी कि 80 लाइन का स्पेस बचा और कंपाइलेशन टाइम बचा। तो समझिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिफाइनेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया है कि भाई इंटीजर टाइप का हमारा फंक्शन है और उसके 2 वेरिएबल हैं, इंटीजर X1 और इंटीजर Y1। वेरिएबल यानी कि जो वैल्यू को स्टोर करते हैं, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अभी यहाँ पर समझते हैं कि जैसे कि हमने कोई फंक्शन बनाया हुआ है और इस फंक्शन का हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। जो मैंने यहाँ पर 2 ब्लैंक लाइन्स बनाई हुई हैं इन लाइन्स की जगह पर, तो बेसिकली हमारा यहाँ पर जो भी फंक्शन का काम हो रहा होगा वो फंक्शन रिटर्न हो जाएगा इस जगह पर और जेड में स्टोर हो जाएगा। और अगर ये लाइन ही मैं 50 बार लिखता हूँ तो ये फंक्शन 50 बार काम हो जाएगा फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर। ध्यान देने वाली बात ये है कि फंक्शन डिफाइनिंग टाइम पर हम यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर भी नहीं लगाया और यहाँ पर भी नहीं लगाया, बट फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर हम सेमी कॉलन ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल नोट्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और हमारी अगली वीडियो होगी सी टोकन के बारे में। जैसे हम सी टोकन के बारे में जान जाएंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद हम तो अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एक भी डाउट है, इवन सिंगल वन डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझको बताइए कि भाई आपका ये डाउट है, जिससे कि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।